नमस्कार स्टूडेंट्स मेरा नाम दीक्षा कुमारी है मैं अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं आप सभी के लिए जो आपकी बीए की जो पहली सेमेस्टर की जो किताब है माइक्रो इकोनॉमिक्स की उसकी एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको एक एक करके जितनी आपकी इकाइयाँ हैं पंद्रह इकाइयाँ सबका वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आज हम वीडियो लेक्चर का पहला दिन है तो आज हम पहली इकाई से ही शुरुआत करेंगे आपकी बुक की पहली इकाई का नाम है व्यस्ती अर्थशास्त्र की प्रस्तावना इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अः जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले हम व्यस्ती अर्थशास्त्र का अर्थ जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं कि व्यस्ती अर्थशास्त्र का अर्थ होता है जब हम अर्थव्यवस्था या आपकी इकोनॉमी के किसी छोटे भाग या छोटे अंश की जब हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर व्यस्ती अर्थशास्त्र यहाँ पे हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं हम पूरी अर्थव्यवस्था या पूरी इकोनॉमी की बात ना करके हम व्यक्तिगत इकाइयों की बात करते हैं जैसे व्यक्तिगत मांग व्यक्तिगत पूर्ति व्यक्तिगत कीमत यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स या चर शामिल होते हैं तो जब भी आप इकोनॉमी में किसी एक छोटे भाग या किसी एक व्यक्तिगत इकाई की आप चर्चा करेंगे या आप उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा वो आएगा आपका व्यस्ती अर्थशास्त्र में तभी हम इसे क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो यहाँ मैं आपके लिए एक ही परिभाषा लेके आई हूँ लेकिन आपकी बुक में बहुत सी परिभाषा दी गई है तो यहाँ पर मैं आपके लेके आई हूँ केनेट ई बोल्डिंग जो एक बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनकी परिभाषा अब देखिए वो क्या कहते हैं कि व्यस्ती अर्थशास्त्र कुछ विशेष आर्थिक इकाइयों तथा उनकी पारंपरिक प्रतिक्रियाओं और विशेष आर्थिक मात्राओं एवं उनके निर्धारण का अध्ययन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन एंड देर एंड पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्वान्टिटीज एंड देयर डिटर्मिनेशन मतलब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज की हम बात करेंगे हम पूरे इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की या हम पूरे आ, पूरे अर्थव्यवस्था की बात ना करके हम एक पर्टिकुलर चीज पे हम फोकस करते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी पर्टिकुलर प्राइज हो गया आपका या फिर आपका पर्टिकुलर इक्विबियम हो गया तो यहाँ पे आप ऐसी चीजों को पढ़ेंगे इस व्यस्ती अर्थशास्त्र में आप ऐसी आ, ऐसे चर्ों के बारे में आप जानेंगे फिर है विशेषताएं जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए सिर्फ मेन चार विशेषताएं मैं आपके लिए लेके आई हूँ बुक से आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बुक में आपको बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके दिया हुआ है लेकिन ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सके सबसे पहली विशेषता है व्यस्त अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां जैसे कि एक व्यक्ति एक परिवार एक फर्म ऐसे चयों का अध्ययन किया जाता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे हम इकोनॉमी को एज आ होल ना लेके हम किसकी बात करते हैं हम सिंगल फैक्ट्री की बात करते हैं हम व्यक्तिगत इकाइयों की बात करते हैं दूसरा है आपका व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है जैसे कि हम किसी भी पर्टिकुलर जो आपका प्राइस होगा कोई भी जैसे कि मान लीजिए आपका सेब हो गया तो सेब का जो कीमत चल रही है हम उसके निर्धारण की यहाँ पे बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी अगली विशेषता यह भी है कि कीमत के निर्धारण के साथ ही आप जो कीमत का जो ढांचा होता है ढांचा क्या होता है कि आपकी जो कीमत है वो कैसे निर्धारण होगी आपका जो मांग है और जो पूर्ति है वो कैसे एक दूसरे के बराबर आएंगे और कैसे कीमत निर्धारण होगी तो उसके ढांचे का भी यहाँ पे अध्ययन किया जाता है कुल उत्पादन का नहीं यहाँ पे बल्कि साधनों के विवरण का अध्ययन किया जाता है कुल उत्पादन मतलब टोटल प्रोडक्शन उसका अध्ययन हम नहीं करते हैं लेकिन जो उत्पादन में जो आपके साधन है हम उनका विवरण करते हैं साधन कैसे हुए जैसे कि लैंड हो गया आपका मजदूर हो गया ऐसे साधुओं का हम यहाँ पे अध्ययन किया करते हैं तो ये है आपकी जो चार प्रमुख विशेषताएं हैं व्यस्ती अर्थशास्त्र की जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बाद है आपका व्यस्त अर्थशास्त्र के विश्लेषण के प्रकार विश्लेषण के प्रकार में आपके यहाँ पे तीन मुख्य प्रकार होते हैं सबसे पहला है व्यस्त आर्थिक स्टैटिक फिर है तुलनात्मक स्टैटिक और है फिर आर्थिक प्रौवाइक ठीक है अब हम एक एक करके इनको समझेंगे सबसे पहला है व्यस्ति आर्थिक स्टैटिक यहाँ पे क्या है दिए हुए समय पर जो संतुलन है उसकी स्थिति की जो विभिन्न मात्राएं हैं हम उनके संबंधों की व्याख्या करते हैं मान लीजिए कि आपका कहीं पे भी संतुलन हो रहा है तो संतुलन में जो मात्राएं जो उसमें शामिल हैं उनमें जो संबंध है उनका यहाँ पे व्याख्या की जाती है लेकिन यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके साधन हैं या जो आपके मात्राएं हैं उनमें परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है दूसरा है आपका तुलनात्मक स्टैटिक पे क्या होता है विभिन्न समय बिंदुओं पर मात्राओं के बीच संबंधों की तुलना की तुलना जाती है ठीक है ठीक जो आपका संतुलन है संतुलन की जो स्थिति है जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है हम यहाँ पे क्या करते हैं उनकी तुलना करते हैं एक दूसरे से जैसे कि जो आपकी डिमांड है पहले डिमांड में कितना संतुलन था पहले कितना इक्विलिब्रियम था मांग में फिर उसके बाद जब आपका संतुलन दबाया हुआ मांग में, तो उन दोनों के बीच की जो मात्राएं हैं, उनके संबंधों की हम क्या करेंगे यहां पे तुलना करेंगे फिर है आपका आर्थिक व्यवहारिक यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो प्रक्रिया है उनका अध्ययन किया जाता है जिससे पुराने संतुलन से नए संतुलन में पहुंच पहुंच सके समझ आया आपको इसमें क्या होता है जो आपका आखिरी वाला है हम यह देखते हैं कि कितनी कैसी प्रक्रिया को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम पुराने संतुलन से नए संतुलन में पहुंच सके तो तीन विश्लेषण के प्रकार आपको समझ में आ गए पहले में क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए पहले में हम क्या देखेंगे हम देखेंगे संबंधों को पारस्परिक संबंधों को देखेंगे जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा दूसरा जो है तुलनात्मक स्टैटिक यहाँ पे हम तुलना करते हैं पहले संतुलन की मतलब जो संतुलन में जो संबंध है उनकी हम तुलना करते हैं फिर है आपका प्रौरागिक यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं उस प्रक्रिया का जिसके थ्रू हम क्या करेंगे पुराने संतुलन से हम नए संतुलन में जाएंगे ठीक है फिर है आपका क्षेत्र क्षेत्र का मतलब होता है स्कोप मतलब आपका जो व्यस्त अर्थशास्त्र है वो कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ध्यान दीजिए कि इस पीपीटी में मैं बहुत ही आपके लिए लिमिटेड लेके आई हूँ मतलब मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको ये जो पॉइंट्स हैं आपको इलाबोरेट आपको बुक में ही मिलेंगे तो आपके लिए बुक का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ क्षेत्र जो स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स के चार मुख्य क्षेत्र होते हैं जिसमें सबसे पहला है मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन आपका जो कीमत होता है या जो मूल्य होता है वो कैसे निर्धारण होता है प्राइस डिटर्मिनेशन जैसा आपने पहले भी पढ़ा होगा वो होता है मांग और पूर्ति जहाँ पे अभी आपकी मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं या जहाँ पे वो संतुलन में होते हैं वहीं पे आपका किसी भी क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी में वहीं पे आपका प्राइस डिटरमाइन होता है तो जो मूल्य निर्धारण है वो भी कैसे होता है व्यस्ती अर्थशास्त्र के ही थ्रू हम पढ़ते हैं फिर आपका उत्पादन फलन मतलब की प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन में जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा उत्पादन फलन में जितने आपके भी चर होते हैं जैसे कि आपका मजदूर हो गया उससे क्या मिलती है मजदूरी हो गई है ये भी आप पढ़ेंगे फिर तो उसके बाद आपका जो एंट्रप्रनोर है जो भी आपका पूंजी है कैपिटलिस्ट है इन सब के बारे में आप कहाँ पे पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में तो ये भी एक इसका क्या है क्षेत्र है तीसरा इसमें क्षेत्र है वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे सिर्फ मतलब उसी चीज का नहीं है कि आपका जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो कैसे इकोनॉमी में पहुंचती है नहीं यहाँ पे जो वितरण है वो हम आय का भी वितरण लेके चलते हैं कि जो आपकी इनकम है जो आपकी आय है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और क्या उसमें इक्वालिटी है या फिर इनइक्वालिटी है और अगर इनइक्वालिटी है तो उसे सरकार कैसे दूर कर सकती है यह सब भी आप इसमें पढ़ते हैं व्यस्ती अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसमें जो आपका आखिरी जो मेन क्षेत्र आता है वो है उत्पादन के साधनों के आवंटन में कुशलता मतलब एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि आप जानते हैं कि चार तरीके के होते हैं लैंड लेबर कैपिटल और लैंड लेबर कैपिटल और मार्केट ठीक है और इंटरेस्ट तो ये सब होता है आपका अब इसको आप कैसे कुशलता से आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सब आप कैसे पढ़ेंगे में पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही बताया जाता है कि आप अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या आपके पास जो भी फैक्टर्स हैं उनका आप कैसे बेटर uh, यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है स्केयरसिटी भी है अगर तो भी आप कैसे कर सकते हैं स्केयसिटी के बारे में भी, भी आप पढ़ेंगे इसमें तो ये सब आप किस में पढ़ेंगे व्यस्ती अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे और इसके चार मुख्य क्षेत्र हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं बुक में हो सकता है आपको और ज्यादा डिटेल में मिल जाए क्योंकि ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में भी आते हैं तो इसलिए आपका इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है फिर है आपका महत्व व्यस्ती अर्थशास्त्र का महत्व मतलब इम्पोर्टेंस मुख्य में आप देखें तो सबसे पहली है कार्य प्रणाली को समझना अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी अब देखिए कैसे हम वर्किंग को समझेंगे जब हम वृहस्ती अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हम यह पढ़ते हैं कि लोग अपनी लिविंग कैसे लाइवलीहुड आप कैसे अपना कमाते हैं लोग पैसा कैसे कमाते हैं कैसे कमाते हैं काम कैसे करते हैं किस किस तरीके का काम होता है प्रोड्यूसर कौन होता है उत्पादन कौन करता है उसके बाद कंज्यूमर कौन होता है तो ये सब चीजें आप किस में पढ़ते हैं अरसास्त में पढ़ते हैं जिसके थ्रू फिर आप ये भी समझेंगे आगे जाके कि जो आपका लेन देन का कैसे होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनकम कैसे आपकी जनरेट होती है आय कैसे आती है उस आय को आप कैसे लगाते हो आप उसे अः सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हो या आप उसकी बचत भी करते हो तो ये सब किस में आता है आपका कार्य प्रकार प्रणाली में आता है अर्थव्यवस्था की जिसको आप समझते हैं किसके थ्रू व्यस्ती अर्थशास्त्र को पढ़ के फिर आपका आर्थिक नीतियों के लिए उपकरण प्रदान करना प्रोवाइड तो टूल्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज जितनी भी आपकी नीतियाँ होती है सरकार कैसे बनाती है सरकार पहले ये देखती है कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है आपकी जो अर्थव्यवस्था है मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा ही प्राइसेस हाई हो गए हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करेगी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आएगी जिससे कि हम प्राइसिस को कम कर सके या फिर जो टैक्सेस है गवर्नमेंट उसे कम कर देगी तो ये जो नीतियां हैं ये जो पॉलिसीज हैं ये गवर्नमेंट तभी समझती है जब वह किसके थ्रू जब वह एक अपनी नजर रखती है व्यस्ती अड़सास्क क्योंकि हम इस पर एक एक इक इकाइयों की बात करते हैं तो जब हम व्यक्तिगत इकाइयों को अच्छे से समझते हैं तभी हम क्या करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को अच्छे से फ्रेम कर पाते हैं फिर संसाधनों की कुशल नियोजन में सहायक जैसा मैंने आपको क्षेत्र में भी समझाया कि व्यस्ती अर्थशास्त्र में सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी आ, संसाधन है तो आप उसका कुशलता से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दस रुपए ही हैं तो आप उस दस रुपए को कैसे इस्तेमाल करें जिससे आपको क्या हो सके आप उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सके तो ये आप किसमें पढ़ेंगे अर्थ व्यस्ती अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पड़ेंगे अगला जो इसका महत्व है वो होता है व्यवसाय के लिए जो आपका बिजनेस होता है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें हम समझ में आता है कि हम किस चीज की डिमांड है अगर जिस चीज की मांग है तो जो बिजनेसमैन है वो उसी चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करता है फिर वो उसका उसी हिसाब से भी प्राइस सेट करता है अगर मांग ज्यादा है तो वो क्या करेगा प्राइस को ज्यादा सेट करेगा मांग कम है तो प्राइस हो सकता है वो थोड़ा कम करे उसी प्रकार से आपकी सप्लाई है पूर्ति हो गई अगर पूर्ति किसी चीज की कम है लेकिन उस चीज की जो मांग है वो ज्यादा है तो बिजनेसमैन क्या करेगा उसकी पूर्ति बढ़ाएगा ताकि वो क्या कर सके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके तो ये सब आप किसमें पढ़ते हैं अर्थशास्त्र आपको इस चीज को भी समझने में हेल्प करता है आखिरी है इसका इसकाधार की समस्या समझने में सहायक हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेशन ठीक है जैसे जब भी आप हम पढ़ते हैं कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उससे क्या होता है हमारी जो इनकम होती है उस पर फर्क पड़ता है आपकी आय में या तो डायरेक्ट उस पर इफेक्ट आएगा या फिर इनडायरेक्ट आएगा या तो आपकी जो आय है उस पर कर लगा देगी सरकार अगर उस पर नहीं लगाती है तो जो जो चीजें आप लोग खरीदते हैं तो उस उसपे टैक्स लगा दिया जाता है इससे क्या होता है दोनों ही तरीके से हमें क्या होता है हमारा नुकसान होता है तो जो समस्या है इसको समझने में भी हम ऑब्वियसली अर्थशास्त्र इसमें हमें हेल्प करता है और उसके साथ ही कैसे हम टैक्सेशन को हैंडल कर सकते हैं ये भी हमें अर्थशास्त्र के थ्रू ही समझ है। फिर है इसकी सीमाएं सीमाएं इसका आखिरी टॉपिक है सीमाएं में हम लिमिटेशन पढ़ते हैं कि कहाँ पे ये मतलब कहाँ पे हम इसको आ, यूज नहीं कर सकते या फिर क्या इसमें कमी है तो ये पढ़ा जाता है इसकी सीमाओं में सबसे पहली सीमा है इसकी कि यह जो है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है पूर्ण रोजगार मतलब जो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट है जैसा कि हमने किंग्स के में भी पढ़ा है कि कभी भी हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है तो ये क्या है एक फुल एम्प्लॉयमेंट एक आपका अनरियलिस्टिक अजम्पशन है जिस जिसपे आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है व्यस्ती अर्थशास्त्र है वो डिपेंड करता है तो यहाँ पर इसकी एक ही लिमिटेशन हो गई दूसरी क्या है ये आबाद नीति पे आधारित है आबाद नीति क्या होती है आपकी जो हम लेजर फेयर की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी इकोनॉमी में जिसको जैसे प्रोडक्शन करना है वो वैसे करेगा जिसको जैसे आ, अपना पैसा खर्च करना है वो वैसे करेगा कोई इसमें कर नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अबाध नीति और जो आपका वैसे अर्थशास्त्र है वो इसी आ, जो पॉलिसी है इस पर आधारित है लेकिन ऐसा हम जानते हैं कि नहीं होता है सरकार को हमेशा ही इंटरफेयर करना पड़ता है और बिना सरकार के इंटरफेयर के हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ सकती तो ये इसकी क्या हो गई है दूसरी सीमा हो गई है आखिरी सीमा है इसकी कि जो आपको व्यस्ती अर्थशास्त्र है जैसा हमने पढ़ा कि वो क्या करता है एक व्यक्तिगत इकाइयों की बात करता है तो जब हम व्यक्तिगत इकाइयों की बात करते हैं हम किसी एक छोटे अंश की बात करते हैं तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में सही जो मैं कहूँगी अजम्पन होगा वो नहीं लगा पाते हैं क्यों नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी इकाइयों की बात कर रहे हैं हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल नहीं देख रहे हैं तो ऐसा करने से क्या होता है जो हमारा जो सही रूप से जो हम इकोनॉमी को देखते हैं वो हम असफल हो जाते हैं उसमें तो यहाँ पे क्या होगा जो आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके सही रूप को प्रस्तुत करने में आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो असफल रहती है इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है आज का जो आपका यूनिट था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था तो इसलिए ये जल्दी समाप्त हो गया है आगे मैं आपके लिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगी ये आपकी पहली इकाई है दूसरी इकाई की यूनिट भी आपके लिए लेके आऊंगी मैं तो आप इसमें बने रहें और इसको आप कंटिन्यू करें थैंक यू